चैनल पंजाबी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंट लाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों जिदा असी प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिक्र किया कि प्रोग्राम के इस हिस्से में असी इलैक्शन बारे गलबात करनी है। फैडरल इलैक्शन 20 सितंबर को होनी है। पहली गल ये बारे यही चर्चा के सब तो वड्डी गल कि होनी चाहिए सी कि नहीं होनी चाहिए सी कि लिबरल पार्टी लिबरल सरकार इलैक्शन कॉल करनी चाहिए सी जिदा कि कंजरवेटिव एन डी पी कह रहे हैं कि गलत आ ये नहीं चाहिए सी ये उत्ते तो ज इस बार इलैक्शन के मुद्दे किहड़े होणगे की गल्लां बातां होणियां इहदे विच की जिहड़ी सरकार आ दुबारा लिबरल पार्टी सत्ता दे विच आ जाऊगी जां किते ना किते जिहड़ी आ होर गड़बड़ हो सकती है ये बारे आपां गल्लां बातां करनियां। साढ़े नाल ने प्रोग्राम दे विच सदा बलदीप सिंह ते सदा गुरप्रीत सिंह सोता जी। सोता साहब बलदीप सिंह जी बहुत बहुत स्वागत है जी, इहनां नूं सति श्री अकाल जी। धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी जी। गुरप्रीत सिंह जी तुहाडे तों शुरू करदे आ, कहा जा रहा कि इलैक्शन कॉल नहीं करनी चाहीदी सी, आज जस्टिन ट्रूडो होरों ने कहा भी क्यों नहीं सी कॉल करनी चाहिए, क्यों क्यों ना कॉल करिए, की लगता जी की सही है? बिल्कुल जी, ये बेलोड़ियाँ चोणा आ, 500 मिलियन का जिहड़ा बोझ आ कनेडियन लोगों सिर पाया जाना आ। जस्टिन ट्रूडो ने एक्सप्लेन करना चाहिए भी एडा किहड़ा बिल सीगा जिहड़ा पास नहीं सी हो रहा जिहदे वास्ते उन्होंने इलैक्शन करवाउणियां जरूरी सीगियां जां उन्होंने मजोरिटी जिहड़ी आ हैव टू लैनी पैनी सी। स्पैशली मौका जिहड़ा वो इहो जिहा कि जदों चौथी वेव करोना की डेल्टा वेरियंट वाली जिहड़ी आ बहुत तेज़ी दे नाल वध रही है। डॉक्टर थ्रीसा टैम वर्गे कह रहे हैं कि असी ऑलरेडी चौथी वेव जी आ गए हैं। सो उस मौके ये कोई फैसला जिहड़ा लिया जाना दयानतदारी वाला नहीं है। हाँ जी, वो गल कह रहे हैं कि जिहड़ा पार्लीमेंट का माहौल जिहड़ा आ कोई बहुता वधिया नहीं। जो आप दुनिया भर दी पार्लीमेंट्स देखते हैं जिते जूत पतान हुंदा उहदे मुकाबले साडा माहौल बहुत वधिया आ। अज तक दी इहो जी नौबत जिहड़ी आ नहीं आई हैगी ते ना ही कोई बिल जिहड़ा पास हुण उह रहि सकिया आ। सो ये सिर्फ ते सिर्फ एक बहाना आ, लगता आ कि जिहड़ा जी फसल बीजी आ पैसे वंडे गए लोगों तो जी एक भल बहुत वधिया बनाई है जिहदे ट्रूडो सरकार की शाबाशी है कि उन्होंने बहुत वधिया तरीके हालात जिहड़े आ करोना दौरान सांभे आ। वो फसल उन्होंने वढ़ना चाहते अकाली दे विच कि मैं दबादब जिहड़ा आ उहदा जिहड़ा मुआवजा लै लवां तो मैं मजोरिटी बना लवां, पर इहदी इहदा मतलब इह नहीं भी जरूरत भी सीगी। पर मैं इत्थे नाल इह भी कहना चाहुंदा कि जे ट्रूडो की थां दे उत्ते जगमीत सिंह हुंदे जां कंजरवेटिव पार्टी के एरन टूल होंगे उन्होंने भी इदा ही करनी सी। जी सियासत आता कुर्सी तो जफ्फा ही है जी, तो हरेक जिहड़ा सियासतदान आ चाहुंदा कि कुर्सी तो जफ्फा वध तो वध समां मिले। हुण ट्रूडो कोले मौका आ, ट्रूडो कोशिश कर रहे हैं, जे जगमीत सिंह जां एरन टूल कोले मौका हुंदा उन्होंने भी इदा ही करना सीगा। पर यह गल नहीं जस्टिफाई की जा सकती कि चोणां करवाउणियां जरूरी है। वो जस्टिफाई इदा करते भी असीं जो पिछले 17 महीनों किया कनेडा के लोग अगले 17 महीनों अगले 17 सालों किस तरह का कनेडा देखना चाहते वो असीं लोगों फैसला लैण लई कहिंदे वी तुसीं डिसाइड करो की चाहुंदे ने। पर फिर हर इदा कर देण वी चेंज कर देण संविधान दे विच वी 2 साल बाद चोणां होया करनियां। ये कानून कल बनाया भी 4 साल या 5 साल बाद चोणां होणियां आ, जिदा लगता भी इदा सौखियां चोणां कराईआं जा सकदियां लोकां नूं कन्विंस किया जा सकता। कोई समा मिथ्या वह भी तो इन्हें नहीं मिथ्या होया, सियासतदान नहीं मिथ्या होया, उहदी रिस्पैक्ट करनी चाहिए है। जो कोई प्रॉब्लम नहीं हैगी फिर 500 मिलियन डॉलर कहीं थोड़ा हों, 500 मिलियन डॉलर नाल किन्ने काम हो सकते हैं। साड़ी गैंग वायलेंस की प्रॉब्लम आ, हाउसिंग की प्रॉब्लम आ, हस्पतालों की प्रॉब्लम आ, होर फैडरली पद्धर उत्ते किन्नियां प्रॉब्लम आ, 500 मिलियन उधर भी तो खर्चा जा सकता सीगा। बलदीप सिंह जी तुहाडे की विचार है? या बिल्कुल जी, इलैक्शन जिहड़ी हैगी ते बेलोड़ी आ जी, यूजलैस आ, क्योंकि देखा जाए शायद इदा लिबरल पार्टी नूं खमियाजा भी भुगतना पै सकता इस दा विच, क्योंकि जो लोग है काफ़ी औखे, क्योंकि एक तो जिवें गुरप्रीत दस्सदे कि वाकई असीं हुण फोर्थ जिहड़ी फेज़ हैगी आ कोविड दे विच ना लंघदे आ, 500 मिलियन दा जिहड़ा खर्चा हैगा। सो लोग बहुत खुश नहीं है, क्योंकि लोग जस्ट देखते हैं कि एक सैल्फिश मूड सीगा जिदे करके जस्ट जस्टिन ट्रूडो ये चाहते कि मेरी अगले साल 4 वारी जी 4 साल की हैगी सरकार फिर पक्की हो जाए तो असी अपन रोटियां जी है सीकी है जी। सो शायद लोग कितना कितने जी पड़ास हैगी इलैक्शन डे वाले कढ़ सकते हैं, पर लोग कहते ज़्यादा ट्रूडो के हक जो नंबर आ रहे। देखो अज तो 4 हफ्ते पहला जी इलैक्शन की सी जो इलैक्शन कॉल नहीं सी हुई उदों बिल्कुल मजोरिटी वाले बनने जा रहे थे, पर जे अज नंबर शो हो रहे जी वो कितने कितने लिबरल पार्टी कितने थिड़कती हुई महसूस नज़र आ रही है जी। सो वो जी टोरी पार्टी हैगी जो पॉइंट हैगी 6% वधने इस बिग नंबर। सो उन्हों का जो 5.5% जो नंबर थले जो ग्राफ थले आना वो भी एक बिग कंसर्न हैगा लिबरल के वास्ते, उन्होंने सोचना पै सकता कि हाँ भी नंबर जो है एको दिन इलैक्शन कॉल हुई है, चाहे अजे 5 हफ्ते पे आ, पर जो देखो इलैक्शन के कई बार होंगे जो कोई बहुत वो गलती की जाए बिल्कुल जो कोई बहुत व्डा कोई बलंडर किया जाए
वो यहो जहाँ कोई किया नहीं, पर कई बार बंदे पैनिक के आके कोई ना कोई मिसटेक्स जिमें 2018 के जस्टिन टूडो की आ गई जी ब्लैक फेस वाली गल सी, उन्हें इनू कि बैकलैश किया जी। सो कुछ भी वापर सकता वा, जो नंबरस है वो चलो पोल्स हूँ आ रही वा, सो महसूस होंगे कितना कितने जी मजोरिटी वाली गल सी शायद वो कितना कितने थड़कती हुई नज़र आ रही है जी। गुरप्री जी ये गल क्लीयर है भी मेजोरिटी लै जाएंगे 30 सीटा है जिते इन्हों का हथ है जिते ना कि हूँ जी है कि एन डी पी के नंबर थोड़े जे वध रहे, एक तो है कि नंबर वन लिबरल नंबर टू कंजरवेटिव तो 20% के उत्ते एन डी पी है भी कोई रौला वाली गल ही नहीं, उन्हें मेजोरिटी लै जानी है। थोनू प्रडिक्शन की है अंदाजा की है भी गड़बड़ हो सकती है बहुमत लेंदे लेंदे श्योर आ कि लै जाएंगे हूँ तक जे हूँ तक के नंबरस ने जी वो तो यही है कि मेजोरिटी जी लिबरल ले जा सकते हैं, पर जिवें बलदीप ने कहा हजे समा पिया आ तकरीबन महीना पिया महीने तो वध ते उहदे विच कुछ भी चेंज हो सकता है, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी हुंदी उहदियां गलतियां लभणियां बहुत सौखियां हुंदियां, उहदा कुछ भी जिहड़ा अगे आ जाए वो सत्ताधारी पार्टी नूं नुकसान ज़्यादा हुंदा, जिहड़ियां विरोधी पार्टियां हुंदियां उहनां दा इन्ना कुछ अगे नहीं आउंदा हैगा। सो बहुत कुछ स्टेक दे उत्ते हैगा। सो एक जिहड़े वोटर आ वी दो तरह दे ने, एक इमीग्रेंट वोटर आ एक जिहड़े एसटैबलिश वोटर, उह आ जिहड़ी एसटैबलिश वोट हैगी आ लिबरल दी उह खुश नहीं हैगी वी तुसीं वोटां क्यों कॉल कीतियां, जो इमीग्रेंट उन्होंने तो वोटा पातलियां लिबरल वो तो खुश आ, वह जो थोड़े बहुत एन डी पी वालों भौकते एन डी पी के नंबर हम उपर गए हुए हैं, फिर हालात वह जे बन सकते हैं कि एक बार फिर मनोरिटी गवर्नमेंट आ सकती है जी कि लिबरल अगवाई करे, जो सुपना आ वो जरूरी नहीं भी श्योर शॉट हैगा भी पूरा हो, पर रैकड दसदा है भी जिते जिते भी सरकार ने आपे तोड़ के चोणा करवाइया वो जित गए मेजोरिटी के यही होया, पर कोई श्योर शॉट गल नहीं हैगी कि सरकार बने बन भी सकती है नहीं भी बन सकती। जदों बीसी की इलैक्शन हुई सी प्रोविंस की अपने यही मुद्दा उत्थे सीगा भी इलैक्शन क्यों कॉल की गई, भी कोई भी इदां दा बिल नहीं सी जिहड़ा रोकिया गया विरोधियों द्वारा, पर यह मुद्दा लोगों के जाके मुद्दा बन नहीं सकिया, मुद्दे होर ही आ गए। इत्थे भी लगता कि जिहड़ा ये एन डी पी ते कंजरवेटिव को मुद्दा बहुत वड्डा है कि इलैक्शन गलत समय ते कॉल की, यह मुद्दा बनूगा जां भी खत्म हो जूगा? नहीं देखो कई बार मुद्दा बनता नहीं क्योंकि मुद्दे कई बार एडा इंपोर्टेंट नहीं हुंदा जी, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि शायद उन्हां दी निस्बत जिहड़े दूसरे मुद्दे हैगे जिन्हां करके आम लोगों की जिहड़ी जिंदगी हैगी आ वह कितना वधिया हो सकती है। सो कई बार उन्हां दी निस्बत ये जिहड़े मुद्दे हैगे जिहड़ी इलैक्शन कॉल करनी स्नैप इलैक्शन हैगी आ वह कई बार बहुत छोटी लैवल से लोगों नूं कई बार बहुत ही मान दिन कुछ दो चार दिन रौटप्पा पैंदा, उस तो बाद जो लीडर होंगे कि ना कि जस्टिफाई कर देंगे, फिर जी विरोधी जो पार्टी है धिर है वो भी एक्सैप्ट कर लेंदी है, वह भी अपने कैंडीडेट खड़े कर दी, सो वो फिर एक वेव के सारा काम चलना शुरू हो जाता जी। जे लीडर देखा जाए एरन टूल भी बहुत ही जबरदस्त लीडर नहीं, जिसका जगमीत सिंह हुणी भी एडा वधिया परफॉर्मेंस इन्हां दी नहीं रही, की लगता कि इस गल का फायदा सीधा सीधा जस्टिन टूडो एज अ लीडर एज अ पॉपुलैरिटी भी उन्हां दी काफ़ी ज़्यादा हैगी तो फायदा हो जी? जी जी हुण तुसीं जो जो स्टीवन हार्पर सी जी उदों जो उन्होंने मेजोरिटी गवर्नमेंट अपनी फॉर्म की ना जी, उदों स्टीवन हार्पर के कोलों 50% अप्रूवल रेटिंग नहीं सी है, एस अज की डेट के जस्टिन टूडो के कोल 50% अप्रूवल रेट है एज ए लीडर। सो वो एक बहुत वड्डा मैटर करता कि जो लीडर की अप्रूवल रेटिंग इन्नी हैगी एज़ कंपेयर टू टूल या जगमीत सिंह हो गए या ब्लॉक के हो गए बंदे, सो उसके वास्ते तो लगता कि लीडर के तौर पर काफ़ी अगे है, पर जिवें हुण गुरप्रीत होरां गल करदे कोई ना कोई स्कैंडल कोई भी निक्की चीज़ क्योंकि गवर्नमेंट दी गलतियां लभणियां बहुत, जिवें हुण चली सी वी चैरिटी सी जी हुण कनेडियन फोर्सिस दे विच जिहड़ियां फीमेल नाल जिहड़ा मिसकंडक्ट होया स्कूल आ जां एसएनसी आ वह मुद्दे कितने ना कितने कितने उभर के कोई सामने इहो जिहा आ जाए शायद उहदे नाल उहनां दी जिहड़ी रेटिंग हैगी थले भी जा सकदी, पर एरन टूल हुणां दी इन्नी पॉपुलैरिटी कितने दिखाई नहीं दे रही जी इस वेले। ये जिहड़ा लीडरां दी पॉपुलैरिटी दा मुद्दा आया तो दूजा की लगता भी 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਮੁੱਦੇ ਟੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੋਣ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮੀਡੀਆ ਆ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪੱਖਪਾਤੀ ਆ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਬਈ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੁੱਦੇ, ਮੁੱਦੇ ਚੱਕਣੇ ਕਿਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਚੱਕਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਆ, ਮੇਰੀ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੀ ਆਰ ਪੀ ਘੱਟ ਜਾਣੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਵਾਂ ਮਸਾਲਾ ਭਾਲਣਾ। ਸੋ ਨਵੇਂ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣਾ ਮੁੱਦਾ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਆ
उन्होंने फिर लैके उन्होंने तुरे फिरना आ तो वे होर रोज़ रोज़ नवा मुद्दा नवे तो नवा मुद्दा तो सियासतदान भी इस गल जानते भी असं बरतान सिर चुके उन्होंने मुद्दों के लोगों को उलझा लेना लोगों मीडिया के राही उलझा लेना यह गल जी वी मीडिया निरपक्ष होंगे जी कि हो सकता बहुत हार्ड है जी देखो मीडिया अपनी थान पर जो लोग है वो निरपक्ष नहीं हो सकते सो लोगों की कितना कितने धारणा कितने राय किसी ना कोई जुड़ी होंगी है सो मीडिया निरपक्ष हो सकता पर जो मीडिया जुड़े हुए लोग निरपक्ष नहीं होंगे जी अच्छा एक गल जी हूँ ये इलैक्शन के खास तौर के उत्ते सामने आनी है जी हम ये आ सकती है भी एक तो कह कोविड द्वारा जो पैसे वंडे वह फायदा लिबरल न होना है यही मुख्य मुद्दा रह के लोग वोटा पा देंगे नहीं जी हूँ जी हम लेटैसट जी लोग आम लोगों वास्ते जिम्मे हम वाइल्ड फायर लगे हुई हैं जी जिम्मे हम ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा हो रही है कहें जी कुछ 10 साल तक ग्लेशियर जोड़े है सुपना हो जाना जी सो कोविड कोई एड्डा वाला इशू नहीं है जी इस वेल हाँ इशू हैगा पर जिस तरह सरकार ने उन्होंने ओवरकम किया जी उत्ते कंट्रोल किया सो लोग काफ़ी उत्तों सैटिस्फाई है हूँ तो जिदा हूँ क्लाइमेट चेंज है जी सब तो वाला मुद्दा तो इस वे अफोर्डेबिलिटी हूँ जिमें टोरी पार्टी ने आख्या कि जे असी सरकार में आए तो अगले 2 साल जोड़े है फॉरन बायर तो घर ही नहीं बाय कर सकते जी सो वो अफोर्डेबिलिटी का इशू के वास्ते वो लैके वो आ रहे हैं जी सो आम लोगों को कुछ करने वास्ते हूँ एन टोरी कहें कि जे असी सरकार में आए साल के एक महीना यह होगा कि GST किसी तरह पे नहीं करनी पेगी जी सो वो अफोर्डेबिलिटी के इशू में तो क्लाइमेट के इशू में इस वे बहुत व्डे पद्धर से उभार रहे हैं मैंटल हैल्थ का इशू जो है फार्माकेयर है जी चाइल्ड केयर है सो ये जो मुद्दे है बहुत व्डे मुद्दे आ कोविड बहुत माइनर इस वे मुद्दा जो है कैनेडियन लोगों सामने इन्ह मुद्दों के उत्ते लिबरल का हाथ फिर भी उपर नहीं लगता देखो जिम्मे यही गल है भी कंजरवेटिव ने ऐलान करता भी असं जो 2 साल फॉरन जो बाहर जाने पाबंदी ला देवे वो की है भी जे दूजे पास कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने जुड़े लोग आ डिवेलपर ने बिल्डर ने रियल्टर ने ट्रेड्समैन ने मॉर्गेज ब्रोकर ने सीधे उन्होंने उल्ट हो जाने ठीक है सो वो कितने जे फस्ट टाइम बायर आ जिन्होंने अजे घर लेना उन्होंने बहुत चंगा लगना बयान है जेडे सोच रहे कि अभी हम घर लिया हो बधे ये प्राइस होर वो बधूगी ता जो बायर ज़्यादा होगी वो जो बयान उत्थे उल्ट करना सो हरेक मुद्दा जोड़ा आ वो पॉजिटिव तो नैगेटिव दोवें तरह जो असर करता है सो इन मुद्दों लैके भी जी वंडिया पई ही रहनी है साढ़े पंजाबी भाईचारे के की ये रोल रहेगा ज किस तरह की इन्हों का योगदान रहेगा सब तो वध मंत्री तो MP साढ़े रहे कैबिनेट के भी इस बार की लगता जी इस बार भी जोड़ा है जी हूँ जिते मान लो भी हल्के इदा दे जिते खड़ने पंजाबी फॉर एग्जाम्पल सरी न्यूटन ला लो जरी जो सेंट्रल है वो ला लो जिदा ब्रैमटन के एडमिंटन गैलरी कुछ इलाके वो जित के चले जाने उन्ने बंदे है ना सो अनुपात के हिसाब के नो मिनिस्ट्रियां वजीरिया जीडिया आ वह भी मिल जाएगा आ बाकी इदा आ भी जे कई बार फस्ट टाइम जित के जाते काबल बंदे आ उन्होंने जाद वजीरी मिल जाती है कई बेचारे चार चार बारी भी जित जाते हैं फिर भी उन्होंने अंदर नहीं बन देंगे है तो उन्हें चुकाने राजे बन के चले जाते हैं भी किसी वोटों तिकड़मबाजी करनी आँदी होंगी है तो उत्थे पूरी क्वालिफिकेशन जी उन्होंने को पूरी नहीं होंगी इस करके चार बारी जितने बाद भी वह बाहर बैठे रहेंगे सो ऐतकी भी जोड़े आ हूँ कई नवे चेहरे जोड़े आने वो उन्होंने फिर वजीरिया मिलदियाँ या नहीं मिलती पहली गल तो इतने खड़ी है भी चोणों के मेजोरिटी मिल जाती है उस बाद जी होंगी है पर इन्ना है कि जरूर जे हल्के मेन है जितने के हैगे पंजाबी उम्मीदवार खड़े आ उन्होंने फिर एक पंजाबी तो जितना आ वो यह हो सकता भी 19-21 का फर्क हो सकता है मोस्टली जी लगदियाँ भी सीटा जीडिया पुराने बंद ने कट जाने जी बलदीप सिंह जी यदा एक असं बाकी कम्यूनिटी मान लें एक पंजाबी कम्यूनिटी मान लें ज इंडियन जोड़े असं है इन्हों की पॉलिटिक्स के कुछ फर्क होंगे लोगों के इशूज़ जोड़े होर होंगे बाकियों नालों जां लगभग सारे कैनेडा के एवरेज उही गल्लां बातें होंगे देखो असी बाकी भाईचारे के मुकाबले देखा जाए असी बहुत प्रोएक्टिव हैं जी पॉलिटिक्स के जे तुम चीनिया वेखो ज गोरियां वेखो वो अपना काम करते पर असी तो कोई भी नॉमीनेशन हो असी सरदार होंने जी कि लीडर बनाना या हरा पंजाबियों के हथ वास ही होंगे ना सो मुद्दे जोड़े है मोस्टली कई होंगे कि असी मुद्दों के बाबत गल नहीं करते वैसे वेरी हार्ड टू डाइजेस्ट आ एक तो असं क्वेश्चन नहीं करते जी किसी जो असी फॉलोवर है जी असी जो फ्लो होंगे जी वेद उस चीज़ जाने ना जी सो असी क्वेश्चन नहीं करते फिर मुद्दों बारे सूँ कोई बाला पता नहीं होंगे जी सो कई बार जो लीडर की असं सपोर्ट करते हैं जी वो जिसने कहता जो कूह छाल मारनी असं कूह छाल मार दें जी सो वो एक बहुत वड्डी साडी एक ट्रैजडी है ना जी जो आप पॉलिटिक्स जी हैगी असी तो इस संवार की गल करते हैं कि कोई ना कोई चीज़ जी है सुधरे पर वो जो कंसैप्ट है फिर वो गंदला हो रहा जी नवी पीढ़ी के वास्ते असी एक बहुत कंडे बीज रहे हैं जिहड़ा कि एक रोंग कंसैप्ट हैगा इतों की पॉलिटिक्स जी हैगी डेमोक्रेसी हैगी जिन्हें सुरजीत रखना तो जो वोटर हैगा उन्हें बहुत ज़्यादा सुचेत होने की लोड़ है पर साड़ी त्रासदी यह है कि साड़ी जी निक्के साड़ियां लोड़ां हैगियां उन्हां दे करके असी कदे भी वो स्टैप अगे नहीं चुक सकते
ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹੋਣਗੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਉਹ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਾਏ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆ, NDP ਦੇ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਸ ਹੋਣੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ? ਅੱਗੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬੋਰਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ ਸਕੈਂਡਲ 'ਚ ਘਿਰੇ ਸੀਗੇ, ਜੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਤੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰੁੱਖੀ ਜਿਹੜੇ MP ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਸ ਕਦਰ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਆਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜਾਂ ਇੱਧਰਲੇ ਬੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 4 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜੋਰੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹਰੇਕ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਦਾ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕੁਇਟ ਕਰ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਪਸੰਦ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਬਣ ਜਾਣ, MP ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਉਹ MP ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਕੜਾ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 5-6 ਵਾਰ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਭੱਜਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਕੜਾ ਮਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਤਣ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨੀਆਂ ਕੁ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਠੀ ਲਾ ਸਕਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਕੰਮ ਆ, ਸਾਡੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਭੋਗ ਵਿਆਹ ਸੰਸਕਾਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਟੌਹਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ MP ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MP ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ MLA ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਸਾਲ ਅਗਲੀ ਸੀਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿੱਤਣੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹ। ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫਰਾਡ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ MP ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਫਰਾਡ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਰ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਟਾਈਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵੀ ਜੋ ਲੋਕ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਸੋਰੀ ਟੂ ਸੇ, ਸਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਸਰੀ ਰਿਊਟਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ ਵੱਡੇ ਭਾਈ, ਸੁੱਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਮੰਤ ਗਰੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰੀ ਬੈਂਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਵੀ ਉਹ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ ਵੀ ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੈ ਆਉਂਦੀ, ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਿਕ ਸੈਂਟਰ ਬਣਾਤਾ ਨਿਊਟਨ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਤੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਇੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਰੋਲ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ 4-5 ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਤਾਉਂਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਤਾ ਰਹੇ, ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਹੀ ਸਮਝ ਨਾਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ MLA ਹਰ ਵਾਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ MLA ਬਦਲਿਆ ਜਾਊ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਿ 4-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 5-5 ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਸੇਮ ਬਣਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੀ, ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੋਟ ਪੈ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਗੜ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਨੈਕਟਡ ਆ। ਸੋ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਣੇ। ਸਿੱਧੇ
पर वह साढ़े काम करता निजी काम करता वह कम्यूनिटी के वास्ते कुछ लैके आता ज नहीं लैके आता कम्यूनिटी माड़ी होंगी है ज नहीं होंगी उन्हें कोई परवाह नहीं। हुण जे पिछले 10 सालों की गल की जाए तो जिहड़ा वाली एरिया सारा डिवेलप हो गया डाउनटाउन बन गया सरी न्यूटन के इधर जिहड़े इलाके सीडर हिल इलाके आ सब तो वध जिहड़े उत्थों दे लोक जिहड़े सीगे ड्रगी सीगे जां जिहड़े ओवरडोज़ नाल मारन वाले सीगे जां जिहड़े नशा छड़ाऊ कहिंदे सीगे उन्हां इलाकियां दे विच आ गए। ये प्राप्ति है साडी पर साडे लोकां नूं इस गल की परवाह नहीं कोई भी उहदे नाल की नुकसान होना जे जिहड़े उह ड्रगी आ नशा करके तुरे फिरदे आ चोरियां करदे आ रात नूं बस स्टॉप पहुंचदे ते सौंदे आ उह नहीं जिहड़ियां गल्लां मैटर करदियां इह मैटर करदियां भी मैं अपने चाचे ताए दे मुंडे नूं सद्दणा मैनूं चिट्ठी लैणी दे वास्ते लोड पैणी आ मैं LMI-आं कढाउणियां आ जां मेरे खंड पाट भोग विआह दे उत्ते लीडर आउणा चाहीदा आ उह साडियां पहलां आ जिहड़े असली मुद्दे आ साडी पहल है नहीं गे। हाँ आह इक इलाका विगड़ गया आपां कोई नहीं साउथ सरी मूव हो जाणा कुछ पार्टी वोट पैंदी है कुछ तुहाडा पक्का वोट बैंक हैगा जिहड़ा आ ते पक्का वोट बैंक इस गल नाल बज्झा है निजी गरजां दे वास्ते उहने तुहानूं वोट पाउणी पाउणी आ ठीक है वो जो माइक्रो मैनेजमेंट उन्होंने की हुई है इन्ने बंद वोट पवा लेनी है हर हालत के डजन मैटर अभी कोई काम करिए चाहे ना करिए इन्ना ही है भी मैं हरेक फंक्शन से जाना है उन्होंने बच्चों के नाम मैंने चेते होने चाहिए उन्हें टब्बर के नाम चेते होने चाहिए कि इस गल ना वोटा निकल दी नहीं तुम दस दी भी सरी रहने भी यूनीवर्सिटी आई कोई इतने कोई इतने स्पोर्ट्स कंपलैक्स आया इतने कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटी कोई रिक सेंटर कुछ आया इतने जी बलदीप सिंह जी एक यही गल भी मसला बड़ा सीधा भी लोग जो चाहते हैं थोड़े जिहड़े चुने नुमाइंदे ने थानू दे रहे हैं थानू इमीग्रेशन की लैटर चाहिए वो थानू दे रहे हैं थानू चाहते हैं नाल आओ वो थोड़े नाल आ रहा है जो मैं PR कार्ड की प्रॉब्लम आ जा मैं अपने किसी रिश्तेदार स्पॉन्सरशिप की लड़ है तो मैं वो दे रहे हैं लोग सही मंगण उन्होंने वो देने लग जाएंगे ये लीडर कसूरवार है कि लोग देखो जी लोग ही कसूरवार है जी क्योंकि जो लोग ही कोई मंग ही नहीं करते जो न्याणा रहूगा नहीं तो माँ कोई खाना नहीं खुआ बिल्कुल जो मंग करते वो दे रहे वो दे रहे जी क्योंकि साड़ियां लोड़ां ही वक्रियां ना जी साड़ी कोई लोड़ डिवेलपमेंट के नाल कोई कनैक्टर तो है नहीं ना जिवें गुरप्रीत गल करते कि सानू ये तो ना कि क्वेश्चन तो किया नहीं गया कि हाँ भी स्काई ट्रेन हुण तक इत्थे क्यों नहीं बनी जी 1986 तो लैके किंग जॉर्ज तक सी हुण 2021 च मसा कितने पूरी पता नहीं कदों बननी जी कभी क्वेश्चन आप रेज नहीं किया जी डिवेलपमेंट के मुद्दे से कभी क्वेश्चन नहीं रेज किया जी हस्पताल जी हॉस्पिटल जो मुद्दा है इन्ने साल का लारा लग रहा वो नहीं चलो वो प्रोविंशियल मुद्दा है पर फिर भी रोड आ हुण हाईवे जिहड़े हैगे जी वो नहीं वड्डे हो रहे जी कोई कुछ नहीं बन रहा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन रहा सो वो जिहड़े मुद्दे हैगे जिहड़े मेन मुद्दे आ जिहड़े फैडरल लैवल दे नाल जुड़े हुए आ हुण पोर्ट दे मुद्दे आ लोग बोलदे नहीं लोग गल नहीं करदे ट्रकां दा एड्डा बड़ा मसला आ कि ट्रकर जिहड़े आ उह इक्को हाईवे आ कैनेडा दे विच किते 1 बनदा किते 5 बनदा ट्रक स्टॉप है नहीं गे जिहड़े ट्रक चलाउण वाले आ उह केनिया दे विच पेशाब करदे आ केनिया भर भर रखी जाते हैं पर कभी MP नहीं पुछणगे भी भाई तेरी जिम्मेवारी है मिनिस्टर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कह के साडे रेस्ट हाउस का वधिया बनवा दिओ उन्होंने इन्ना ही साडे घर बस आके जिहड़ा जी वो खंड पाट दे उत्ते आके फोटो खिचा जावे ये मंग कित्थे चकनी उड्डा रोई जाणगे रोज़ फोन करी जाएंगे मीडिया वालों को स्नो ने जी मूव हो रही सी ट्रक लैके खड़े हैं बहुत रिस्की आ एक्सीडेंट हो गया रेस्ट हाउस है नहीं गया की करिए पर उन्होंने MP नहीं कहना जी गल ये ना भी जिम्मेवार कौन है या कसूरवार कौन आ लोग तो कसूरवार है ठीक है जिदा के आए उदा के कुजे वो तो गल जी होनी होनी है पर जो बंदा नुमाइंदा चुन के भेजे घट्टो घट्ट उसकी भी योग्यता कोई होनी चाहिए आ कि वह लीड कर रहा किसी कम्यूनिटी नुमाइंदा आ बजाए कि उन्होंने भावनावान में बह के जो चाहते वो कर बल्कि इलाके लिए कुछ चंगा करे ठीक है उन्होंने लीड लेनी चाहिए आ कुछ सुधार करना चाहिए है कि आ कैनेडा के यहोजे इलाके जिथे लोगों ने लीड लैके अपने हल्के वधिया बनाया ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਚੱਕ ਕੈਡਮੈਨ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਵਧੀਆ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਦੀ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭੱਜੇ ਜਦਕਿ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਣ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਸੂਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ रेडियो है चाहे TV है सारा दिन पंजाब की पॉलिटिक्स इतने की गलबात ही नहीं इतने की सानू इशू नहीं पता असी सारा दिन उही राजनीति उही गल्लां उही साडे मुद्दे तो फिर असी इतने इनवॉल्व ही नहीं होंदे असी आइसोलेटर रह रहे हैं वक्री साडी पॉलिटिक्स है वक्रा साडा खेता है उही 8 सीटां दा जवाब ही तुसीं आप ही देता पहला भी मीडिया जिहड़ा जिदा लीडर कहिंदे आ भी लीडर वो कुछ करदे जो लोग चाहुंदे आ ते मीडिया भी यही जवाब दे जांदा कहिंदे सानू लोग चाहुंदे आ
ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਦਲ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਓ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਲੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਹ ਟਾਈਮ ਸਲੋਟ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਇੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ ਬਣੇ, ਪੈਸਾ ਉਦੋਂ ਪਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਣਨਗੇ, ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਸੁਣਨਗੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਐਡਵਰਟਾਈਜਮੈਂਟ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਪੈਣੀ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਐਡ ਪਾ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਸੂਰਵਾਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਡੀਆ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ, ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਅਤੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੌਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਚਾਹੇ BC ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਉਦਾਂ ਦੀ ਆ ਉਹੀ 5-7 ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਉਲਝੂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਮੁੱਦੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਟਰਨਆਊਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਟਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟ 54,000 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਸੀ ਉਹ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਰਕੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹ ਮੇਲ ਇਨ ਬੈਲਟ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਦੈਟਸ ਦ ਬਿਗ ਥਿੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ 60% ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਪੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸੋ ਜੇਕਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿਬਰਲ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਵੋਟ ਟਰਨਆਊਟ ਘੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਇਟ ਕੁੱਡ ਬੀ ਅ ਬਿਗ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲਗਭਗ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤ? ਵੱਖਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਆਮ ਵਰਗ ਸਧਾਰਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਰੰਟਡ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਭਲਵਾਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੈਅ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਮੁੱਦੇ ਨਵੇਂ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੰਡਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਇਹੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿਡਟਰਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਕਰਾ ਕੇ ਫੇਰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ਨ ਗੋਈ ਕਰਤੀ ਸੀ ਬਈ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਲਿਬਰਲ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ, NDP ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ? ਹਾਲੇ 2 ਕੁ ਹਫ਼ਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲਾਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿ ਲਓ ਹਫ਼ਤੇ ਡੇਢ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੱਜਮੈਂਟ ਕੀ ਬਣਦੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋਣੇ ਬਾਕੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਆ, ਈਵਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਖੜਨਾ ਕਿਹਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਅਨਾਊਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਹਿਣਾ ਹਜੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਅਨਾਊਂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਅਤੇ ਬਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਬਦਲੀਆਂ, ਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂਬਾਤਾਂ ਨਾਲ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।